सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कुछ देर रुके रहिएगा, और अगर पुराने हैं तो अपना सहयोग, प्रेम और स्नेह बनाए रखिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे सूचकांक 2020 अर्थात जो विश्व सूचकांक है जिसमें रैंक जारी की जाती है, उसके विषय में आज हम पूरा चर्चा करेंगे। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का जो स्थान है वो 142वां स्थान है, और नार्वे की बात की जाए तो नार्वे जो है पहले नंबर पर बना हुआ है। प्रेस का मतलब ये हुआ कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसके विषय पर जो है भारत जो है 142वें नंबर पर है और नार्वे पहले नंबर पर बना हुआ है। वहीं अगर खुशहाली की बात की जाए तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 में भारत 144वें नंबर पर है, जबकि फिनलैंड पहले नंबर पर बना हुआ है कि खुशहाली में सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है और भारत का जो स्थान है वो 144वां है। वहीं अगर प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक की बात की जाए तो भारत का 15वां स्थान है, जबकि अमेरिका पहले स्थान पर बना हुआ है। वहीं वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 की बात की जाए तो भारत तीसरे नंबर पर है, जबकि चीन पहले नंबर पर बना हुआ है। वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में अगर भारत की बात की जाए तो भारत 34वें नंबर पर है। वहीं अगर यूके की बात की जाए तो यूके पहले नंबर पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात की जाए तो भारत 168वें स्थान पर बना हुआ है। वहीं डेनमार्क की बात की जाए तो डेनमार्क पहले स्थान पर है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 की बात अगर करें तो भारत 5वें नंबर पर और जापान पहले नंबर पर है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 भारत 9वें नंबर पर है और स्वीडन पहले नंबर पर बना हुआ है। वहीं अगर हम फीफा रैंकिंग की बात करें तो फीफा रैंकिंग 2020 में भारत 108वें नंबर पर है, जबकि बेल्जियम पहले स्थान पर बना हुआ है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 की बात करें तो भारत 117वें नंबर पर है, जबकि स्वीडन पहले नंबर पर है। विश्व सैन्य खर्च रिपोर्ट मतलब सेना पर सर्वाधिक खर्च की बात की जाए तो सबसे अधिक खर्च अमेरिका करता है, और वहीं तीसरे नंबर पर भारत करता है। व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 की बात की जाए तो भारत 63वें स्थान पर है, वहीं न्यूजीलैंड पहले स्थान पर बना हुआ है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 की बात अगर करें तो भारत जो है 72वें स्थान पर है, जबकि स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। वहीं अगर आगे बात करें कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 तो भारत 43वें नंबर पर है, जबकि सिंगापुर पहले नंबर पर बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 भारत इसमें 40वें स्थान पर है, जबकि अमेरिका पहले स्थान पर बना हुआ है। वहीं अगर आगे बात करें स्थिरता सूचकांक की तो भारत का स्थान 77वां है, जबकि बुरुंडी का स्थान जो है वो पहला है। सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020 की बात करें तो भारत 76वें स्थान पर है, जबकि डेनमार्क जो है वो पहले स्थान पर बना हुआ है। वहीं अगर आगे बात करें शिशु विकास सूचकांक 2020 की तो भारत 131वें स्थान पर, जबकि नार्वे पहले स्थान पर बना हुआ है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2020 की बात करें तो भारत 112वें नंबर पर, जबकि आइसलैंड पहले नंबर पर बना हुआ है। वहीं लास्ट अगर हम चर्चा करें तो हेनले पासपोर्ट 2020 की बात है तो भारत 84वें स्थान पर, जबकि जापान पहले स्थान पर बना हुआ है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसकी पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िए। द स्पीड स्टडी डालेंगे आप तो आ जाएगा। तो चलिए, अगर जो है आपको ना पता हो तो 1 तारीख से जो हमारी सीरीज शुरू हो रही है 1000 क्वेश्चन की, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको जीतो प्रतियोगिता मिलेगा, अर्थात आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए और पैसे या उपहार जीतिए। वहीं अगर आप पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो अभी पिछली क्लास हमने जो है रीजनिंग की स्टार्ट की थी, जिसमें हम क्लास 18वीं थी हमारी, जिसमें हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट पर चर्चा कर रहे हैं। इस एक चैप्टर से आप जो है कम से कम 4 या 5 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं रीजनिंग के। तो इसमें हमने सीखा था हाउ टू लर्न कोड, कोड को याद करने का जो ट्रिक है उसको हमने सीखा था। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।